आज से पतंजलि योगपीठ पतंजलि वेलनेस में हम एक नई क्रांति का सूत्रपात कर रहे हैं, और उसमें हमने ये सोचा है, मैंने खुद देखा डॉक्टर साहब, देखो आप मेरे पीछे, पीठ के पीछे देखो क्या लगा हुआ है, मैंने दो सींगी पीछे खुद लगवाई, मैंने दो अपने पिंडलियों में दो सींगी लगवाई, फिर एक अचानक योगाभ्यास करते करते यहाँ ये जो थाई का जो मसल है वो टाइट हो गया था, वो लगाया और बात खत्म। जैसे मैं पहले ऐसे खड़ा हो करके जब यूँ कर रहा था, यूँ और यूँ ऐसे, तो ऐसा हो नहीं रहा था, वो मसल टाइट हो गया था, है? तो एकदम से लगाया और वो गायब हो गया। तो ऐसे ये जो है वात की प्रकृति, थोड़ी माँ से मुझ में, माँ को वायु का प्रॉब्लम था शुरू से ही। तो एक दिन मैंने देखा थोड़ा सा, जैसे मैं ऐसे तो पूरा पकड़ता हूँ, तो देखो पीछे से पूरा हाथ ऐसे आता है, ये ऐसे, ये ऐसे। तो मैंने एक दिन देखा ये पूरा पंजे से पंजा लड़ रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो इतना नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, थोड़ी स्टिफनेस आ गई है। तो स्टिफनेस मसल्स में, स्टिफनेस बोन्स में, फिर अंदर लंग में, हार्ट में, उसके भी मसल्स होते हैं। तो ये स्टिफनेस को भी दूर करती है सींगी, दर्द को, स्टिफनेस को, फिर जो भी बाकी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं। और मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनके दो पीठ के पीछे और दो आगे, किडनी के ऊपर दो आगे दो पीछे, तो उसमें से किडनी का भी जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है, वो भी निकलेगा। वो जो काम डायलिसिस में करते हैं वो इससे करेंगे। तो ऐसे पूरी बॉडी की स्टिफनेस, पूरे बॉडी के अवांछित अनवांटेड तत्व, पूरी टॉक्सिन्स, सारी गंदगी निकालेंगे, और वो सारी गंदगी निकाल के आपको देंगे। ठीक है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन करो हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय का। ये हमारे चीफ साइंटिस्ट है PRI के, ये बहुत बड़ा आदमी है। हाँ, ये योग करते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा, और अमेरिका तक के और दुनिया तक के सारे अनुभव हैं इनको। तो ये सारी गंदगी निकाल के इनको देंगे और ये उसमें टेस्ट करेंगे। एक ब्लड के मुझे ऐसा लगता है कि उसके टोटल जो कंपोनेंट्स हैं, टोटल घटक हैं उसके, उनको मापा जाए तो कितना, 1000 से ज्यादा ही होंगे लगभग। महाराज जी, ये मान के चले तो जो 25 हैं तो वो तो मेन है जो तुरंत नापे जा सकते हैं। 25 तो तुरंत माप सकते हैं। क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपके WBC, RBC, प्लेटलेट आदि। और उसमें महाराज जी क्या है, WBC भी 8-10 टाइप के हैं। सब WBC 8-10 तरह के होते हैं, तो वो सब नापेंगे। ये तो पहली बार सुना होगा भाई तुमने, कितने 8-10 तरह के WBC और प्लेटलेट। प्लेटलेट एक ही टाइप के हैं, पर RBC के बहुत सारे पैरामीटर हैं कि RBC कितनी मोटी है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसका पेरिफेरी कितना बड़ा है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन की RBC के अंदर ही कितनी डेंसिटी है, वो सब पैरामीटर नापे जाते हैं भारत। अच्छा एक बात और सुनो, सींगी में अच्छा खून नहीं निकलता, जो प्रेशर से निकलेगा अच्छा खून अंदर ही बहता रहेगा, और खराब एक मिनट में कितना खून बहता है पूरे शरीर में, हार्ट से, किडनी से, या कोई भी नस नाड़ियों से होकर के गुजर जाता है। महाराज जी हमारे अंदर है लगभग 5.5 लीटर खून होता है। सुन लो, ये बड़ी काम की बात है। ए सिंगी निकालने वालों, तुम खाली बीमारी निकालना जानते हो, उसके पीछे का मैकेनिज्म साइंस नहीं जानते। सुनो, तुम्हारे लिए बुलाया डॉक्टर साहब को। लगभग 5.5 लीटर खून हमारे शरीर में, 5.5 लीटर खून होता है एक आदमी में, एक समय में, एक सब टोटल अगर सब निकाल के बाल्टी में नापाएंगे, सारा निकाल दे आदमी मर जाएगा, ऐसा काम मत करना, ये वैसे बता रहे हैं। हाँ, कि वह सारा खून निकाल देता आदमी मर जाएगा। तो लगभग एक मिनट में महाराज जी पूरी बॉडी में घूम जाता है, वो पूरी बॉडी में एक मिनट में घूम जाता है, 5 मिनट में 5 बार घूम जाता है। ये कम से कम 5 से 10 मिनट एक आदमी को सींगी लगा के रखते हैं। बड़ी बीमारी हो तो 10 मिनट और छोटी बीमारी हो तो 5 मिनट। 5 से 10 मिनट सींगी लगा के क्यों रखते हैं, 10 मिनट में 10 बार खून घूम जाएगा और सारे ब्लड के जो टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, अवांछित तत्व, अनवांटेड जो तत्व हैं, वही इसमें सींगी में बाहर निकलेंगे। डॉक्टर साहब किसी किसी को तो 2-2 इंच का गट्ठर जम जाता है, 2-2 इंच का, और फिर वो ऐसे रहता है जैसे कि गुमड़ा टाइप बाहर आ गया। और उसको मैंने एक को तो परसों मैंने उसको ऐसे धकेला, तो उसमें मतलब वो टूट ही नहीं रहा, इतना हार्ड हो गया। लेकिन उसको 10 साल का दर्द था, 10 मिनट में गायब। 10 साल का दर्द 10 मिनट में गायब।